हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम बैक इन, क्या हाल है आप सबका? तो दोस्तों आज मैं बात करता हूँ एशियन पेंट के दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं बाहरी दीवारों के लिए, तो उसके ऊपर आज मैं बात करता हूँ। फंडामेंटली देखेंगे क्या उनमें डिफरेंस है, कितनी प्राइस में मिलेगा, इन सब के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। एक तो है दोस्तों एस एक्सटीरियर मंचन जो बाहरी दीवारों के लिए आता है, उसके बाद आता है अपैक्स जो वेदर गार्ड, जैसे उसे अब हम डस्ट प्रूफ भी बोलते हैं, वो दोनों प्रोडक्ट हैं। चलिए देखते हैं दोनों के प्रोडक्ट के बारे में। तो ये रहे प्रोडक्ट, सबसे पहले आ जाता है पैक्स डस्ट प्रूफ, उसके बाद आ जाता है ये देखिए एस एक्सटीरियर मंचन। ये मैं बोल सकता हूँ अगर इकोनॉमी में अगर आपने लेना है तो एस यूज़ कर सकते हैं, अगर इससे हाई रेंज में जाना है तो अपैक्स यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों वाटर बेस पेंट है, बारी दीवारों के लिए यूज़ होते हैं दोस्तों। इसकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एमआरपी की बात कर लेता हूं दोस्तों, इसकी एमआरपी 4260 है और पैकिंग इसकी 11th मंथ की है, और ये हो सकता है ये आपको आज की डेट में 3200 में 20 लीटर मिल जाए, पर ये कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि रेट काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट में, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं रेट दोस्तों। और अगर इसकी मैं बात करूं दोस्तों, इसकी एमआरपी आप देख सकते हैं 6350 है और इसकी पैकिंग डेट है दोस्तों 8 मंथ की, और ये हो सकता है आपको 5500 में 20 लीटर मिल जाए दोस्तों। वाइट की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जो कलर शेड वगैरह बनती हैं उसकी कॉस्टिंग अलग होती है, और ये भी कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसकी 3 साल की ये देते हैं परफॉर्मेंस वारंटी, और अगर मैं अपैक्स की बात करूं, इसकी परफॉर्मेंस वारंटी 5 साल की आती है दोस्तों। ये अपैक्स जो है दोस्तों वेदर गार्ड होता है, और ये वाला जो है वाटर रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी के साथ आता है दोस्तों, और अपैक्स में एंटी एगल फार्मूला भी होता है जो इसमें नहीं आता दोस्तों। आगे दोस्तों है कि लगाना कैसे है इन प्रोडक्ट्स को, आप जब भी प्रोडक्ट खरीदो इनमें आप डायरेक्शन पढ़ सकते हो कैसे लगाना है। तो चलिए इनमें फंडामेंटली देखता हूँ थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ जाता है। और अगर मैं दोस्तों कलर्स की बात करूँ, कलर शेड्स कितने आप इनमें बना सकते हैं, एस की बात करूँ तो एस में कलर शेड दोस्तों 1500 तक आप बना सकते हो। पैक्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, पैक्स में शेड जो है 1700 तक बन जाएगी। जो एस की जो फिनिश है दोस्तों, मैट सी फिनिश होती है, कोई ज़्यादा शाइन वाली फिनिश नहीं होती। पैक्स में इसकी फिनिश काफ़ी सॉफ्ट सीन आ जाती है दोस्तों। और ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ड्यूरेबिलिटी दोस्तों पैक्स की तो ज़्यादा ही है, 5 साल की ड्यूरेबिलिटी है, और परफॉर्मेंस वारंटी भी 5 साल की आती है। और एस की अगर मैं बात करूं तो 3 साल की परफॉर्मेंस वारंटी ही देते हैं दोस्तों। और वाशेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, वाशेबिलिटी जो पैक्स की है काफ़ी हाई है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग वाशेबिलिटी होती है दोस्तों, किसी की मीडियम हाई होती है, किसी की लो होती है, और पैक्स की जो वाशेबिलिटी काफ़ी हाई आ जाती है दोस्तों। अगर एस की मैं बात करूं तो एस की वाशेबिलिटी दोस्तों लो है, इसकी हाई नहीं है। कवरेज की अगर मैं बात कर दूँ तो कवरेज जो एक कोट में पैक्स आपको देगा दोस्तों 100 से लेके 130 स्क्वायर फीट पर लीटर में सिंगल कोट में ये दे देगा आपको। अगर एस की मैं बात करूं दोस्तों, एस आपको कवरेज देगा 130 से लेके 150 स्क्वायर फीट पर लीटर में दोस्तों। अपैक्स जो है यूवी रेज होती है, जो अल्ट्रा वायरस होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, पर एस इनमें नहीं करता है दोस्तों। एक VOC का लेवल होता है दोस्तों, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हर पेंट में पाया जाता है। अगर मैं एस में बात करूं, वो इन्होंने बताया हुआ है 22.22 ग्राम्स पर लीटर होगा एस में, और पैक्स की अगर मैं बात करूं, पैक्स में दोस्तों वो 32.34 ग्राम पर लीटर में आता है दोस्तों। पानी कितना मिक्स करना है वो आप डायरेक्शन पढ़ सकते हैं हर प्रोडक्ट की, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी डायरेक्शन में लिखा होता है कितना पानी मिक्स करना है। और अगर मैं इसकी बात करूं, एस में 1 लीटर में दोस्तों 75% यानी कि 750 ml पानी मिक्स होता है। अगर मैं अपैक्स की बात करूं, अपैक्स में 400 ml तक पानी मिक्स होता है 1 लीटर में दोस्तों। ये था दोनों के प्रोडक्ट के बारे में, आपको मैंने प्राइस के बारे में बता दिए, कलर के बारे में बता दिया, सब थोड़े फंडामेंटल फीचर है जो सब बता दिए। अगर किसी का कम बजट है दोस्तों, वो एस लगा सकता है एक्सटीरियर मंचन, इसमें भी काफ़ी वैरायटी आती है, जैसे एस एक्सटीरियर मंचन हो गया, स्पार्क हो गया, शाइन हो गया, एडवांस हो गया, और इसमें भी आपको पैक्स में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है दोनों में डिफरेंस जान के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। और ये दोनों प्रोडक्ट एशियन के मैं बोल सकता हूँ सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं बाहरी दीवारों के लिए, एस और अपैक्स रेंज काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी है, और आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।